धमाकेदार 8 होने वाले हैं, हम सब साथ में धमाका करेंगे। Thank you so much guys, it's always amazing to be on this show और amazing contestants और hectic, दिग्गज, heavy judges, so इस show को देखकर हमेशा बहुत मजा आता है, इस season में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, thank you for having us here। Indian Idol में आज चुना जाने वाला है दोस्तों top 8 finalist। जी हां, शाहिद कपूर और कृति सरन की मौजूदगी में जहां एक और धमाकेदार 8 सेलिब्रेट किया जाने वाला है और उस दौरान में बहुत सारी मस्तियां भी हमें यहां देखने को मिलेंगी, जहां की हमारे सभी कंटेस्टेंट शाहिद जी के ही फिल्माए हुए गाने पर अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शाहिद जी भी काफी एक्साइटेड नजर आए हैं दोस्तों, जहां की मंच पर आकर हमारे सभी कंटेस्टेंट जजेस सबों के साथ में मिलकर जहां उन्होंने डांस परफॉर्मेंस करके दिखाया है, वहीं इंडियन आइडल का शुक्रिया भी अदा किया है कि इस सीजन में जिस तरीके से एक से बढ़कर एक कलाकार आए हैं, ये सभी के सभी अमेजिंग है। तो कमेंट सेक्शन में वैसे अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि टॉप 8 का हिस्सा इंडियन आइडल के वे कौन से कंटेस्टेंट हो सकते हैं। जहां तक बात की जाए वोटिंग की तो अंजना पद्मनाभन, वैभव गुप्ता और पीयूष पवार, ये तीनों ही बॉटम लिस्ट कंटेस्टेंट रहे हैं दोस्तों, जिन्हें की जनता से इतना सारा प्यार नहीं मिल पाया है। बावजूद उसके शो का हिस्सा अभी तक वो बने हुए हैं क्योंकि अमेजिंग परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं और जजेस से इन्हें जम के प्यार मिल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इनमें से कौन से कंटेस्टेंट हैं जो शो का हिस्सा आज से नहीं रहने वाले हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इंडियन आइडल 14 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।